महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाकर बेहद फेमस हुए गुफी बेंटल की तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। उन्हें सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गुफी बेंटल काफी टाइम से बीमार हैं और अब उनकी हालत और बिगड़ गई है। टीवी एक्ट्रेस टीना घई ने गुफी बेंटल की हालत सीरियस होने की कंफर्मेशन सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है। टीना घई ने अपने इंस्टाग्राम पर गुफी बेंटल की एक फोटो शेयर कर उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। एक्ट्रेस ने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा, गुफी बेंटल जी तकलीफ में हैं, प्रार्थना कीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीना घई ने ये भी कहा है कि गुफी बेंटल के फैमिली वालों ने किसी से भी कोई डिटेल्स शेयर करने के लिए मना किया है। टीना ने कहा कि गुफी के जल्द ठीक होने की दुआ कीजिए। बताया जा रहा है कि गुफी काफी समय से बीमार हैं और 31 मई को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि गुफी बेंटल 78 साल के हैं और इस वक्त इनकी तबीयत काफी खराब है, जिस कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और अब फैंस लगातार गुफी बेंटल के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। गुफी बेंटल के करियर की बात करें तो उन्होंने 1980 के दशक में कई फिल्मों में काम किया है, वहीं वे टीवी सीरियल्स में भी नजर आए। हालांकि उन्हें बीआर चोपड़ा के सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर घर घर पहचान मिली थी। आज भी ये किरदार लोगों के जहन में जिंदा है। बता दें कि गुफी एक्टर बनने से पहले इंजीनियर थे। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।